गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉल्डिंग सैंड देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टरीनेस। रिफ्रैक्टरीनेस एबिलिटी ऑफ मॉल्डिंग सैंड टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मेटल विदाउट फ्यूजन। ऑब्वियसली बात है, हम लोग जब मोल्टेन मेटल को डालते हैं तो उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर को बियर करने का कैपेबिलिटी हमारे मोल्डिंग सेंड के पास होना चाहिए, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग रिफ्रैक्टिवनेस बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर ऑफ सेंड जो होगा सो पोरिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तभी उसको बियर कर पाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं परमेबिलिटी। एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सेंड टू अलाउ गैसेज टू स्केप। जब हम लोग मोल्टेन मेटल को डालते हैं मोल्ड बॉक्स में तो उसके साथ कुछ एयर का मॉलिक्यूल भी उसमें चला जाता है, कुछ एयर उसमें ट्रैप्ड हो जाता है, कुछ गैसेज ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो उस गैस को अगर वहाँ से निकाला नहीं जाएगा तो वॉइड के रूप में प्रेजेंट हो जाएगा हमारे कास्ट मटेरियल में, तो इसलिए उसका जो गैसेज का निकलने का कैपेबिलिटी है उसी को परमेबिलिटी बोलते हैं। परमेबिलिटी एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, परमेबिलिटी नंबर जब हम लोग डिसाइड करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है PN=VH/PAT, वेयर वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू अ स्पेसिमेन, एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन, पी इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस ऑफ एयर इन ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ स्पेसिमेन एंड टी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय एयर टू पास थ्रू द स्पेसिमेन इन मिनट। एक स्टैंडर्ड हम लोग स्टैंडर्ड मोल्ड बॉक्स लेते हैं जिसका हाइट और डायमीटर फिक्स होता है, तो हम लोग भी उसका लेते हैं 2000 cm³, हाइट लेते हैं 5.08 cm और इस फॉर्मूले में हम लोग देख सकते हैं परमेबिलिटी नंबर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। इसका मतलब टाइम हम लोग को जितना ज़्यादा लगेगा परमेबिलिटी नंबर उतना कम होगा। यूनिट ऑफ परमेबिलिटी नंबर हम लोग देखिए, सबसे पहले भी को लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, फिर एच लेंगे सेंटीमीटर में, उसके बाद पी है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे और टाइम को मिनट में लेंगे, तो फाइनली आपका जो यूनिट है यूनिट ऑफ पीएन वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम पर मिनट। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, जैसा हम अभी बताया कि स्टैंडर्ड लेते हैं जिसमें एच इज इक्वल टू डी होता है और एच का वैल्यू 5.08 cm है, तो उसमें वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, एच फिक्स हो जाएगा, ए फिक्स हो जाएगा, पी भी हम लोग उसमें फिक्स रखते हैं, तो फाइनली जो हमारा ये सब का वैल्यू डाल के एक फॉर्मूला आता है PN=3007.2/T, जिसमें टी को सेकेंड में लेना है, यहाँ हम लोग मिनट में रखे थे, यहाँ सेकेंड मिलेंगे, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक परमेबिलिटी और परसेंटेज ऑफ वाटर के बीच एक कर्व है, एक रिलेशन है, उसको जान लेते हैं। जब परसेंटेज ऑफ वाटर हम लोग इंक्रीज करेंगे पहले तो कुछ देर तक उसका परमेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वाटर हो जाएगा तो फिर परमेबिलिटी उसका डिक्रीज करने लगेगा। इसका छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। द परमेबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड वाज डिटरमाइंड यूजिंग ए स्टैंडर्ड AFS सैंपल बाय पासिंग 2000 cc ऑफ एयर एट ए गॉज प्रेशर ऑफ 10 g/cm². इफ द टाइम टेकन फॉर द एयर टू स्केप वॉज 1 मिनट द परमेबिलिटी नंबर इज। चार ऑप्शन में चूज करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ स्टैंडर्ड AFS सैंपल, मतलब जो हम लोग स्टैंडर्ड अभी बताए थे ऊपर उसको लेना है, तो आइए पहले दोनों मेथड से हम लोग यूज कर लेते हैं। एक ये जो फार्मूला है और एक जो हम पहले फार्मूला बताया, दोनों मेथड से हम लोग परमेबिलिटी नंबर निकाल के देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग अगर जनरल फार्मूला VH=PAT जब पुट करेंगे तो V हमारा 2000 cc दिया हुआ है, H भी 5.08 लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड है, PAT सब का वैल्यू पुट करेंगे तो 50.127 आएगा, या डायरेक्ट अगर इसमें हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं तो केवल टाइम इसमें पुट करेंगे हम लोग, 1 मिनट है तो 60 सेकेंड होगा, पुट करेंगे तो आंसर सेम आएगा 50.12। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं दोनों। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी किसको बोलते हैं? एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू फ्लो इनटू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द मोल्ड बॉक्स ड्यू टू रिमेनिंग फोर्स।
तो फ्लोबिलिटी उसी को बोलते हैं जब हम लोग रैमिंग करेंगे तो हमारा जो सैंड है, मोल्ड सैंड है, वो मोल्ड कैविटी के हर कॉर्नर में पहुंच जाना चाहिए, तब हमारा कास्टिंग अच्छे से डिजाइन होगा, नहीं तो उसमें डिजाइन में कोई फॉल्ट रह जाएगा, कहीं पे गया नहीं तो वहाँ पर मोल्टन मेटल डालने के बाद जो उसमें प्रेशर अप्लाई होगा तो वहाँ का सैंड को फिर ऊपर कर देगा या नीचे कर देगा, तो उस कास्टिंग का डिजाइन हम लोग का जो शेप एक्चुअल चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो फ्लोबिलिटी का भी कर्व होता है परसेंटेज ऑफ वाटर के साथ, परसेंटेज ऑफ वाटर जब हम लोग बढ़ाएंगे तो पहले धीरे धीरे कम होगा, उसके बाद हम लोग जब परसेंटेज ऑफ वाटर जैसा बढ़ाते जाएंगे तो फिर वो बढ़ेगा। और प्रोबेबिलिटी का हम लोग पहले देखे हैं, तो फ्लोबिलिटी में याद रखना इसमें डब्ल्यू होता है तो इसका कर्व ऐसे होगा, जैसे डब्ल्यू ऊपर ऐसे होता है, और प्रोबेबिलिटी में एम होता है तो इसका कर्व हम लोग ऐसे लेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ, टू रिटेन शेप एंड साइज ऑफ द कैविटी एंड टू withstand forces applied by the liquid metal on the mold surface, mold must be having sufficient strength। देखिए हम लोग जब molten metal mold box में डालेंगे तो sand के पास इतना strength तो होना चाहिए कि जो हम लोग डाल रहे हैं तो उसको उसका फोर्स को सह सके, उसमें विस्कस फोर्स भी लगाएगा, हैवी भी होगा तो उसका फोर्स को सह सके, वो टूट नहीं जाए, ब्रेक नहीं हो जाए, तो इतना मिनिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए, सफिशियंट स्ट्रेंथ उतना होना चाहिए, तो प्रॉपर्टी डिजायरेबल है। अब देखिए सेंड तीन तरह का होता है, ग्रीन सेंड जिसमें कि मॉइस्चर होता है, उसका मॉइस्चर को जब हम लोग हटा देते हैं मॉइस्चर इवापोरेट हो जाता है तो उसको ड्राई सेंड बोलते हैं, और हॉट सेंड बोलते हैं, ड्राई सेंड इज हीटेड मोर एंड बिकेम हॉट सेंड। ड्राई सेंड को जब और ज़्यादा गर्म करेंगे मोल्टन मेटल डालने के बाद जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये हॉट सेंड हो जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारा हार्डनेस, सरफेस प्रॉपर्टी, मिनिमाइज इरोजन एंड टू विथस्टैंड फोर्सेज अप्लाइड बाई लिक्विड मेटल्स ऑन द मोल्ड सरफेस, मोल्ड मस्ट बी हैविंग सफिशियंट हार्डनेस। अगर सेंड के पास हार्डनेस नहीं होगा तो हम लोग जहाँ पर मोल्टन मेटल उसमें पोर करेंगे तो जहाँ पर वो गिरेगा वहाँ से कुछ सेंड को इरोड कर देगा तो उसमें फॉल्ट आ जाएगा, हम लोग के जो कास्टिंग शेप बनाना चाह रहे हैं ओरिजिनल उसमें कुछ फॉल्ट आ जाएगा। तो हार्डनेस हम लोग का जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो परमेबिलिटी कम होने लगता है, इसलिए एवरेज उसको रखते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू में रखते हैं 60-80 का, 60 डायमेंशनल स्टेबिलिटी से डिक्रीज होता है और 80 परमेबिलिटी डिक्रीज होता है। कहने का मतलब है अगर 60 से कम होगा तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगा, और 80 से अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे हम लोग तो परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसके बीच में रखते हैं 60 से 80 के बीच में। सिक्स प्रॉपर्टी है एडहेसिव और कोहेसिव, बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल इसको एडहेसिव बोलते हैं, और बॉन्ड बिटवीन सेम मटेरियल इसको कोहेसिव बोलते हैं। मोल्ड सेंड ऑल्सो रिक्वायर सफिशियंट थर्मल कंडक्टिविटी एंड लो कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अगर एडहेसिव या कोहेसिव फोर्स नहीं, कोहेसिव प्रॉपर्टी उसमें नहीं रहेगा सेंड में तो आप एक दूसरे से चिपक के नहीं रहेगा और ब्रेक हो जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा, और उसमें सफिशियंट थर्मल कंडक्टिव भी होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी भी होना चाहिए ताकि जब हमारा कास्ट मटेरियल कूल हो तो जल्दी कूल हो, अदरवाइज वो हॉट ही रह जाएगा, और लो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होना चाहिए ताकि अगर वो टेम्परेचर डालने पर अगर वो एक्सपेंड करेगा तो हमारा जो कास्टिंग का शेप है वो बिगड़ जाएगा। सेवन प्रॉपर्टी हमारा कोलेप्सिबिलिटी, कोलेप्सिबिलिटी कहने का मतलब है कि जब हमारा कास्ट प्रोडक्ट बन गया, ठंडा हो गया, तो उसके बाद हमको मोल्ड सेंट को तोड़ना है, मोल्ड सेंड को तोड़ के हम लोग को कास्टिंग प्रोडक्ट निकालना है, तो अगर मोल्ड सेंड बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और कोलेप्स नहीं करेगा अगर आसानी से, तो उसको तोड़ने के चक्कर में हम लोग अपना कास्टिंग प्रोडक्ट को भी ख़राब कर लेंगे, तो इसलिए इसमें क्या करते हैं कोलेप्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए जो हमारा मोल्ड सेंड है उसमें हम लोग कुछ सॉ डस्ट या वुडन छिलका जो जिसको लकड़ी का बुरादा बोलते हैं वो डाल देते हैं। वो डालने पर क्या होता है जब हम लोग मोल्टन मेटल डालते हैं उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है तो उतना हाई टेम्परेचर में वो सॉ डस्ट जो है वो बर्न हो जाता है, और बर्न होने के बाद वहाँ पे एस बच जाता है, ऐसे वहाँ पे वाइट का फॉर्मेशन हो जाता है, वाइट का फॉर्मेशन होता है तो गैस स्केप भी होता है, परमेबिलिटी भी उससे बढ़ता है, और स्ट्रेंथ उसका वीक होता है तो कोलेप्स जल्दी हो जाता है।